हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं विप्लव कुमार, विप्लव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नहीं कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्जाम का महीना चल रहा है, दो चार दिन बाद नवोदय का एग्जाम है, फिर KVS, फिर नेट, फिर DSSB का भी नोटिफिकेशन आ गया है, IS PCS सारे का एग्जाम आने वाला है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसमें भी आज करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर्स के चौथे क्लास में अब आज हम नवीनतम पुरस्कार की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो नवीनतम पुरस्कार है, आपने देखा होगा कि पुरस्कार से प्राय एक से दो क्वेश्चन एग्जाम कोई भी हो जरूर पूछा जाता है। तो हम पूरे कम से कम दिसंबर 2018 से लेकर के अभी तक के पुरस्कार को लगभग एक साल में किस किस क्षेत्रों में किनको पुरस्कार मिला है, इनको हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए पूरा वीडियो गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपसे पूछे जाने वाले एक से दो सवाल आसानी से बन जाएगा। पहला हम लेते हैं 28वां बिहारी पुरस्कार, याद रखिएगा 28 बिहारी पुरस्कार। अब ये मत समझ जाना कि बिहारी मतलब बिहार का पुरस्कार है ये, ठीक है? ये बेसिकली हिंदी साहित्य के जो महान रीतिकालीन कवि बिहारी लाल है उन्हीं के याद में, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर एक वर्ष दिया जाता है। और इस बार का जो 2018 में दिया गया, 19 का भी नहीं दिया गया है, 2018 में दिया गया, वह हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका को दिया गया है। और वो लेखिका याद रखना मनीषा कुलश्रेष्ठ। किसे दिया गया? लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो वह है स्वप्न, वह है आपका स्वप्नपास, वह उपन्यास है स्वप्नपास, याद रखिएगा। मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी पुरस्कार 2018 में 28वां पुरस्कार दिया है और यह पुरस्कार दिया है स्वप्नपास के लिए। और याद रखिएगा कि स्वप्नपास की जो नायिका है वह सिजोफ्रेनिया, याद रखिएगा सिजोफ्रेनिया के शिकार है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है, मानसिक रोग है, ठीक है, जिसमें लेखिका ने मानवीय मनोदशा और नायिका के अंतर्वेदना के ऐसे आयाम को खोला है जिस पर सामान्य इंसान की जानकारी बहुत ही कम और सीमित होती है। अर्थात याद रखिएगा कि 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है और उनके उपन्यास स्वप्नपास के लिए। और स्वप्नपास की नायिका है सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी, मानसिक बीमारी से ग्रसित नायिका की है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मनीषा के अन्य उपन्यास को भी एक दो याद रखिएगा, हिंदी वाले तो जरूर याद रखिएगा कि सिगाफ साल, एक उपन्यास है सिगाफ साल, दूसरा है भंजिका या पंच कन्या। एक चीज और याद रखिएगा कि 2017 में 27वां बिहारी पुरस्कार साहित्यकार राजस्थान के साहित्यकार विजय वर्मा को दिया गया था। 27वां किसे दिया गया था?
अट्ठाईसवां तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था, लेकिन 27वां पुरस्कार विजय वर्मा को उसके निबंध संग्रह लोकाविलोकन के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? लोकाविलोपन के लिए। इसी तरह से 2018 का ही 28वां 28 सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इनको ध्यान रखिए। और 2018 का ये सरस्वती सम्मान तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को, याद रखिएगा, तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को दिया गया। और वही 27वां पुरस्कार जो था सरस्वती पुरस्कार, वह गुजराती कवि सितांशु यश चंद्र को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सितांशु यश चंद्र को दिया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आखिर के बिरला पुरस्कार स्थापित कब हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। कि कहा जाता है कि के बिरला पुरस्कार जो है 1991 में स्थापित हुआ था, 1991 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और इसे 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। कि 10 वर्ष में आपने कैसी रचना लिखी, किस प्रकार की लिखी, इसी के लिए यह दिया जाता है। इसके लिए एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 15 लाख रुपये नकद राशि दी जाती है। 15 लाख रुपये क्या दिया जाता है? नकद राशि दिया जाता है सरस्वती सम्मान के लिए। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान के लिए। जबकि बिहारी पुरस्कार में 2 लाख रुपये दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है ब्यास सम्मान। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ब्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। और इस बार 28वां 2018 में दिया गया था हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूरी को। लीलाधर जगूरी, हिंदी वाले पढ़े होंगे, लीलाधर जगूरी को उनके 2013 में प्रकाशित काव्य संग्रह, याद रखिएगा, लीलाधर जगूरी के 2013 में प्रकाशित काव्य संग्रह। और उस काव्य संग्रह का नाम क्या था? दिमाग लगाइए हिंदी वाले, ठीक है, कब जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, लीलाधर जगूरी का काव्य संग्रह था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए 28वां ब्यास सम्मान दिया गया था। वही 2017 का ब्यास सम्मान ममता कालिया को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए दिया गया। याद रखिएगा, ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए दिया गया, याद रखिएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 किस फिल्म को दिया गया है? तो इसको याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राजी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राजी को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राजी को दिया गया। और इसके निर्देशक थे मेघना गुलजार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मेघना गुलजार को दिया गया फिल्म राजी के। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजी का ही मेघना गुलजार। दोस्तों सॉरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? रणबीर कपूर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। अगर इतना भी आप याद रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण एरिया हमारा था इसी तरह से है कुछ और, जैसे टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार फरवरी 2019 में दिया गया, टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार दिया जाता है। फरवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन प्रमुख व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया है। किसने? राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं। यह पुरस्कार पहला राजकुमार सिंह जीत को दिया गया है छाया नट के लिए, यह बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हैं। दूसरा यह पुरस्कार रामजी तुषार को क्रमशः 2014, 15 और 16 के लिए दिया गया, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखना कि टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार की स्थापना दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2011 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी। कब की गई थी? 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी। और 2012 में प्रथम टैगोर पुरस्कार जो थे सितार वादक पंडित रवि शंकर को दिया गया। किसे दिया गया? रवि शंकर को। और 2013 में अमेरिकी संगीतकार जुबीन मेहता को दिया गया था। 2013 में यह पुरस्कार अमेरिकी संगीतकार जुबीन मेहता को दिया गया। इस पुरस्कार विजेताओं में जो रामजी तुषार हैं, जो 2019 का दिया गया है, तुषार प्रसिद्ध मूर्तिकार है, तथा रामजी सिंघजीत मणिपुरी नृत्य के गुरु थे। रामजी सिंघजीत कौन है? मणिपुरी नृत्य के गुरु है, तथा छाया नट बांग्लादेश की सांस्कृतिक संस्था है। इन्हीं तीनों को 2019 का सांस्कृतिक टैगोर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट जो फेमस हमारा है वह है ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको भी याद रखिएगा। ज्ञानपीठ 54वां 54 ज्ञानपीठ अवार्ड 2018, याद रखिएगा। भारत का साहित्य के क्षेत्र में यह सर्वाधिक उच्च या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवार्ड है ज्ञानपीठ। और यह अवार्ड 2018 में उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अमिताभ घोष को, याद रखिएगा कि 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। घोष यह पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक, याद रखिएगा अमिताभ घोष यह पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक है। और इनके उपन्यास का नाम है द शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस। इनके उपन्यास द शैडो लाइंस के लिए 1989 में इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं द सर्किल ऑफ रीजन, याद रखिएगा। अमिताभ घोष के जो बुक है, पूछ सकता है करंट में बुक का नाम भी पूछता है, द सर्किल ऑफ रीजन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, रिवर ऑफ स्पॉक, द ग्लास पैलेस और द हंगरी नाइट। इसी तरह दोस्तों जो नेक्स्ट है वह है गांधी शांति पुरस्कार। यहां से प्रायः हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा वर्ष 2014 के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। 2014 के बाद दिया ही नहीं गया था, 2019 में डायरेक्ट इनकी घोषणा की। और यह वर्ष 15, 16, 17
और 18 के लिए, 4 वर्ष के लिए जिन व्यक्तियों और संस्था को दिया गया उसके नाम है, याद रखेगा। 2015 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र, याद रखिएगा दोस्तों कि 2015 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है विवेकानंद केंद्र को, 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया है, याद रखिएगा 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया है, और 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट, नाम है ये एकल अभियान ट्रस्ट जो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देता है उसको दिया गया, और 2018 के लिए जापान के योहेही सासाकावा जापान को दिया गया, जापान के ओहोही साकाकावा को दिया गया। एक चीज और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वें जन्म शती पर 1995 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था, याद रखिएगा कि 125वें जन्म शती पर यह पुरस्कार 1995 में स्थापित किया गया था, और वर्ष 1914 में इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के इसरो को दिया गया था। किसको दिया गया था? इसरो को दिया गया था 2014 को, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, जो फेमस है वह है भारत रत्न पुरस्कार। आखिर भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 2019 को 3 महान विभूतियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उनमें शामिल है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नाना देशमुख, पहला है प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नाना देशमुख, और संगीतकार भूपेन हजारिका, और संगीतकार भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया। दोस्तों 5 दशक से अधिक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा, इनके बारे में जानना जरूरी है, देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे। 1982 में पहली बार इंदिरा गांधी के सरकार में 47 वर्ष की अवस्था में यह वित्त मंत्री बने थे, याद रखिएगा 1982 में इंदिरा गांधी के सरकार में पहली बार 47 वर्ष की अवस्था में जो प्रणब मुखर्जी थे वे वित्त मंत्री बने थे। वे देश के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इससे पूर्व जिन लोगों को अब तक यह सम्मान मिला है उसमें है राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी और APJ अब्दुल कलाम आजाद, जी हाँ दोस्तों। दूसरे पॉइंट है वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न 2 अन्य विभूतियों को मरणोपरांत दिया गया है, याद रखें। इनमें एक ग्रामीण विकास को समर्पित संघ से जुड़े नानाजी देशमुख, जो ग्रामीण विकास से जीवन भर जुड़े रहे वो है नानाजी देशमुख, जो जीवन प्रयत्न दीन दयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध विकल्पों के विस्तार के लिए काम करते रहे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में इन्होंने खूब काम किया। नानाजी देशमुख का जन्म याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर 1961 में 1961 में महाराष्ट्र में हुआ था, और इनका निधन 27 फरवरी 2010 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हो गया था। तीसरा जो भी महत्वपूर्ण थे वह थे भूपेन हजारिका, जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
असम राज्य से ये संबंधित थे। ये असमिया के अलावा हिंदी, बंगला सहित कई अन्य भाषाओं में भी अपने गीत लिखे। भूपेन हजारिका गायक होने के साथ संगीतकार भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे, राइटर भी थे। इन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन ते गाया था। इन्हें पद्म भूषण सम्मान के अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। इनका भी निधन दोस्तों 5 नवंबर 2011 को हुआ। इससे पूर्व 2015 में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान किया गया। इनको याद रखिएगा। तो अभी हमने भारत रत्न की चर्चा किया दोस्तों। एग्जाम कोई भी हो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। आगे जो कुछ और महत्वपूर्ण जीएस का पॉइंट है उसे भी हम लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। एक दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2019 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से दिया जाता है और हर वर्ष दिया जाता है। इसके अंतर्गत पत्रकारिता के लिए 14, साहित्य नाटक क्षेत्र से 7 पुरस्कारों की घोषणा इस बार की गई है। दोस्तों सिंपल याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार इनको भी हमें याद रखना है कि पत्रकारिता को इतना भी ध्यान रख लेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है तब भी आपसे सवाल बन जाएगा। इसी तरह कुछ और देखेंगे हम लोग, ऑस्कर पुरस्कार देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्कर पुरस्कार। अभी 2019 में 91th ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया याद रखिएगा, एक 2019 में 91th ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, इनको याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ग्रीन बुक को, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ग्रीन बुक को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अल्फांसो क्यूरोन को दिया गया है जो रोम के हैं, अल्फांसो क्यूरोन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रानी मेलेक को दिया गया है, किसको दिया गया है, रानी मेलेक को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है ओलिविया कॉलमेन को, ओलिविया कॉलमेन को, इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मूल पथ कथा का पुरस्कार ग्रीन बुक को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ सिनोमेट्री का पुरस्कार भी रोमा को दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा। इसी तरह से कुछ और है ग्रेमी पुरस्कार 2019, याद रखिएगा ग्रेमी पुरस्कार अमेरिका से दिया जाता है लॉस एंजल्स से, और इस बार जो ग्रेमी अवार्ड दिया गया है वो अपने आप में फेमस है। तो अमेरिकी अभिनेता, गीतकार एवं गायक, निर्देशक चाइल्डिस गैबिनो, याद रखिएगा चाइल्डिस गैबिनो को, जिसका मूल नाम डोनाल्ड मैक किनले ग्लोबल जूनियर है, को दिया गया। इनको हमें याद रखना है। इसके अलावे भी कुछ और पुरस्कार हैं जिसके अगले क्लास में हम खेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे, जिससे कि खेल से पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपसे बन जाए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।